एवरीवन, मल्लिका किचन खास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे मसालेदार बैंगन की सब्जी, और उसके साथ ही खाने के लिए मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी के साथ ये वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए बनाते हैं बैंगन की सब्जी और मक्के की रोटी। तो सबसे पहले हमें बना लेना है सब्जी। तो यहाँ पर मैंने लिया है बैंगन छोटे साइज के, इस तरह के बैंगन मैंने लिए हैं, और इसे हमें इस तरह से बीच में से कट कर लेना है। तो सारे बैंगन मैंने इस तरह से कट करके रख लिए हैं। एक बैंगन मैं आपको बता रही हूँ काट के, इस तरह से हमें काटना है, और पूरा नहीं काटना है, इसे बीच में से सिर्फ ऐसे ही काटना है ताकि ये पूरा जुड़ा रहे आपस में। तो यहाँ पर मैंने बैंगन काट लिए, अभी हमें इसमें थोड़ा सा मसाले भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच अमचूर पाउडर और नमक, दोनों मैंने मिक्स कर लिया है इस तरह से। तो इसे क्या होगा, हमें बैंगन के बीच में थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है, जिससे बैंगन की सब्जी जब खाते समय बैंगन एकदम फीके नहीं लगेंगे। तो इससे बैंगन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और सब्जी भी अच्छी लगती है इस तरह से खाने में। तो थोड़ा थोड़ा सा हमें इसे इस तरह से चारों तरफ लगा लेना है। तो सारे बैंगन में मैंने ये अमचूर पाउडर लगा दिया है, और अभी थोड़ा सा बच गया उसे मैं साइड में रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे बैंगन तैयार है। अभी हम ग्रेवी के लिए थोड़ा सा दही लिया है मैंने यहाँ पर, तो दही की ग्रेवी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती। तो यहाँ पर दही को छोटे चम्मच से मैंने 4 चम्मच लिया है, और इसे इस तरह से हमें अच्छे से मिला लेना है। और अभी इसमें मैं थोड़े मसाले मिक्स करूंगी। तो हमें इसमें डालना 1/2 चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें, और 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, सादी वाली लाल मिर्च, और ये मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो बिल्कुल तीखी नहीं होती, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च भी थोड़ा सा डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि गरम मसाला हम सब्जी बनने के बाद भी थोड़ा सा डालेंगे, इसलिए अभी मैंने थोड़ा कम डाला है। और अब हमें इसे अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेना है मसालों को। तो दही में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हमें इसे, अगर ये गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेना। तो मैं अभी ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डालूंगी और इसे थोड़ा सा पतला कर लूंगी। तो बस यहाँ पर हमारा बैंगन और दही वाला मसाला तैयार है। अभी हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर छोटी वाली कढ़ाई ली है, और सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। तो तेल में थोड़ा सा ज़्यादा अभी इसलिए डालूंगी, इसमें हमें बैंगन को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, जिससे बैंगन थोड़े से इसमें पक जाएंगे और वो सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा बैंगन को फ्राई कर लूंगी। तो बैंगन सॉफ्ट होने तक हमें इसमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे नहीं करना है, क्योंकि ग्रेवी में भी ये थोड़े पक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए आप, बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तो मैं इन्हें निकाल कर अभी साइड में रख देती हूँ। अभी तेल मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो 1 चम्मच मैं तेल इसमें से निकाल दे रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ मैं राई। तो यहाँ पर मैंने जीरा राई इसमें डाला है, और अभी मैं इसमें डालूंगी हींग। तो यहाँ पर मैं बहुत थोड़ी सी चुटकी भर हींग डाल रही हूँ, क्योंकि हींग बहुत तेज है, इसलिए मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। और अभी मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च को, इस तरह से मैंने दरदरा सा कूट लिया है, उसे भी मैं इसमें मिला दूंगी। और अब हमें अच्छे से इसे चला लेना है, ताकि थोड़े से लहसुन इसमें पक जाए। तो लहसुन जब इसमें ब्राउन हो जाए, तो अभी इसमें हमें डालना है प्याज। तो यहाँ पर मैंने एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज लिया है, मिक्सर में नहीं पीसना है इसे, इस तरह से एकदम बारीक बारीक काटना है, बहुत बड़े बड़े प्याज टुकड़े नहीं डालना है। तो एकदम बारीक प्याज करके मैंने इसमें डाल दिया है, और प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने देना है। तो यहाँ पर गैस को मैंने धीमा कर रखा है, क्योंकि तेज गैस पर हमें इसे नहीं सेकना है, नहीं तो प्याज जल जाएंगे, इसलिए धीमी गैस पर इसे ब्राउन होने तक सेकें। तो ये देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए। तो बस इसी तरह से हमें प्याज को
हल्का सा सेकना, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने दही के लिए, जो ग्रेवी के लिए जो दही का मसाला तैयार किया उसे इसमें डाल देना है, और जो कटोरी में थोड़ा सा बचा उसमें भी पानी डालकर मैं इसमें मिला लूँगी। दही का मसाला डालने के बाद इसे मैं अभी थोड़ी देर इसी तरह से पकने दूंगी। अभी ये मसाला पका नहीं है क्योंकि अभी इसमें तेल ऊपर नहीं आया, तो तेल ऊपर आने तक हमें इसे पकाना है। तो ढक्कन लगाकर मैं 2 मिनट तक धीमी गैस पर इसे इसी तरह से पकने दूंगी। और ढक्कन लगाने से ये होता है कि मसाला बहुत जल्दी पक जाता है। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से पक गया, और इसमें जो तेल भी है ऊपर आ गया, तो इसका मतलब हमारा प्याज वाला मसाला अच्छे से बन के तैयार है और इसमें दही भी अच्छे से पक गई है। तो बस इसी तरह से हमें मसाले को अच्छे से तेल ऊपर आने तक पकाना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया, और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो हमारी सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार है, लेकिन इसमें अभी मैं थोड़ा सा गरम मसाला और डालूंगी, पहले भी डाला था इसलिए अभी थोड़ा सा डालना है। और गरम मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसे थोड़ा सा पतला करेंगे, यानी थोड़ा सा पानी मुझे डालना, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से उकालना है, क्योंकि बैंगन डालने के बाद सब्जी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा पहले ही पानी डाल के इसे हल्का सा पतला कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला मैंने नहीं किया, तो बस इसी तरह से हमें पानी डालकर इसे थोड़ा सा उकालना है, और जब ये अच्छे से उकलने लग जाए उसके बाद ही हम इसमें बैंगन डालेंगे। पहले हमें बैंगन डालने के बाद पानी नहीं डालना है, नहीं तो सब्जी का टेस्ट पानी जैसा आता है। तो ये देखिए सब्जी में उकाल आ गया अच्छे से ग्रेवी में, तो मैंने इसमें डाल दिया बैंगन। तो बैंगन तो हमारे पहले ही पके हुए थे क्योंकि हमने इसे डीप फ्राई किया था, तो इसलिए इसे पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अभी हमें बहुत हल्के हाथों से इसे इस तरह से मिक्स कर देना है, क्योंकि बैंगन खड़े हैं, यदि ज़्यादा जोर से मिक्स चलाएंगे तो ये बैंगन टूट जाएंगे, इसलिए इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है जिससे बैंगन टूटे नहीं। और अब ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट तक धीमी गैस पर इसे पकने देना है। तो ये देखिए यहाँ पर बैंगन अच्छे से पक गए और मसाले पूरी तरह से बैंगन में अच्छे से मिक्स हो गए। भीन जाना चाहिए बैंगन को मसाले में अच्छे से, इसलिए इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी गैस पर इस तरह से पकने दीजिए। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनके तैयार है, और इसके साथ खाने के लिए हमें बनाना है मक्के की रोटी। तो सब्जी को भी हम साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर मैंने लिया 1 बड़ी कटोरी भर के मक्के का आटा, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर खाने के छोटे चम्मच से 2 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स किया। आधा चम्मच में इसमें डाल रही नमक, आधा चम्मच में इसमें डाल रही लाल मिर्च पाउडर, और चौथाई चम्मच में इसमें डाल रही हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच के करीब में इसमें डाल रही तेल। तो छोटे चम्मच से हमें तेल डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ छोटे चम्मच से 1 से 2 चम्मच इसमें तेल डालना, और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर हम मसाले वाली रोटी बना रहे हैं, यानी कि पराठे जैसे बनाएंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाले। और अभी से गुनगुने पानी से, यानी हल्का गर्म पानी से हमें आटे को अच्छे से मसल मसल कर सान लेना है। आप यदि चाहें तो बिना मसाले वाले भी बना सकते हैं, सादे मक्के की रोटी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मसाले वाली रोटी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें नमक हल्दी मिर्ची भी डाला है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो मक्के के आटे को जितने अच्छे से हम सानेंगे रोटी हमारी उतनी अच्छी बनेगी। मक्के का आटा बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि रोटी टूट टूट जाती है, इसलिए इसमें 2 चम्मच सादा आटा डाल देंगे तो रोटी बहुत आराम से बन जाती। तो यहाँ देखिए आटे को मैंने बहुत अच्छे से मसल के साना, और थोड़ा सा इसका आटा हमें थोड़ा सा हल्का सा गीला रखना होता है, यानी रोटी के आटे जैसा इसे रखना होता है, एकदम टाइट रखेंगे तो ये फटने लगेगा, इसलिए यहाँ पर आटे को इस तरह से मसल के सानी है जिससे ये बनाते समय बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो यहाँ देखिए मैंने आटा अच्छे से सान लिया है, तो बस अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने आटा रखा है, ये देखिए इतना सॉफ्ट है, तो इसी तरह से हमें इसका आटा सानना है। तो अभी हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो इसकी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने बड़े साइज़ की आपको रोटी, मोटी या पतली जैसी बनाना चाहते हैं, मैं इसको हल्की सी मोटी रोटी बनाती हूँ तो वो खाने में थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसको थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है। तो मैंने इतनी बड़ी साइज़ के, जिस तरह से हम पराठे के लिए आटा लेते हैं उसी तरह से इसको मैंने उस साइज़ की लोई ली है। और इसमें लगाना है हमें थोड़ा सा सूखा वाला आटा, गेहूँ का आटा, और इस तरह से लगा के सारे आटे को, एक्स्ट्रा आटे को निकाल दीजिए, और इस तरह से रख के इसे हल्के हाथों से बेलना, बहुत ज़्यादा इसे जोर लगाकर नहीं बेलना है। तो इस तरह से धीरे धीरे इसे बेल लेना, और ये चिपकने लगता है तो इसमें थोड़ा सा नीचे
आटा लगा दीजिए और थोड़ा सा नीचे के साइड भी इसमें आटा लगा दीजिए। इस तरह से लगाकर इसे हल्के हाथों से बेलते जाइए। इसी तरह से हमें आटा लगाकर इसे हल्के हाथों से बेलते जाना। तो आप देख रहे हैं मैं कितने अच्छे से इसे धीरे धीरे बेल रही हूँ, और ये देखिए बिल्कुल भी फटी नहीं है और कितनी अच्छी बनी है एकदम। तो इसी तरह से आप आटा अच्छा सानेंगे तो रोटी हमारी मक्की की बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अभी हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे को गर्म कर लिया है और इसे इस पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ इसलिए मैं इस पर घी लगाऊंगी। यदि आपको रोटी बनाना है तो आप इसे सेक कर रोटी बना सकते हैं। तो बस मक्के की रोटी जब दोनों तरफ से थोड़ी हल्की से ब्राउन हो जाए तो इसमें हमें लगा लेना है घी। तो यहाँ पर मैं इसमें घी लगा रही हूँ क्योंकि घी का टेस्ट इस वाली मक्के की रोटी में बहुत ही अच्छा आता है। यदि आप चाहें तो इसकी जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोनों तरफ हमें इस तरह से घुमाकर अच्छे से इसे सेक लेना है जिससे ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है तो बैंगन की सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मक्के की रोटी कितने अच्छे से सेक गई है। तो इसी तरह से हमें इसे सेकना है और अभी ये अच्छे से सेक गई है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में। तो बाकी की बची हुई रोटियों को भी मैं इसी तरह से सेक लूंगी। तो यदि इसके साथ आप पराठे पसंद करते तो वो भी इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, और बैंगन की सब्जी के साथ तंदूरी रोटी भी बहुत ही अच्छी लगती, तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मक्के की रोटी बनके तैयार हो गई और ये बहुत ही टेस्टी दिख रही है, और ये मसाले वाली होती तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसके साथ हमने बैंगन की सब्जी भी बना लिया। तो अभी मैं इसे प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैंगन की सब्जी रख रही हूँ प्लेट में। तो ये देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है, बहुत ही टेस्टी लगती है मक्की की रोटी के साथ, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप भी इसे बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया प्लेट में बैंगन की सब्जी और साथ में मैं इसके रख रही हूँ मक्की की रोटी, गर्म गर्म मक्की की रोटी, ये बहुत ही अच्छी लगती। तो रोटी अभी एकदम गर्म है तो इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा घी और लगा रही हूँ क्योंकि मक्की की रोटी के साथ थोड़ा घी तो अच्छा लगता है, और अभी मौसम भी है ठंड का तो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो इस तरह से मैं घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी स्किप कर सकते हैं, मत लगाइए तो भी ये अच्छी लगती थी। ये लीजिए हमारी बैंगन की मसालेदार सब्जी और साथ में मक्की की रोटी तैयार है और ये बहुत ही अच्छी लग रही। और इसके साथ ही मैंने साथ में रखा है प्याज, तो प्याज भी इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस इस तरह से आप भी इसे बनाइए, मुझे तो ये अभी देखकर खाने का मन हो रहा है। तो ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी बनी है। तो बस इसी तरह से आप भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।